है एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑन रश सीरीज एंड इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं मेथड सिंटैक्स इन स्ट्रॉक्ट्स सो पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने कवर किया है स्ट्रॉक्ट्स क्या होते हैं किस तरह से हम स्ट्रॉक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं एंड जस्ट इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा सो आई वुड हाइली अर्च यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन बिगिन विद दिस वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे दिस पर्टिकुलर मैथड सिंटाक्स ओके सो मेथड्स क्या होते हैं सो देखो मेथड्स बेसिकली फंक्शन ही होते हैं बट एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है वो बताएंगे मेथड्स आर सिमिलर टू फंक्शन वी डिक्लेयर देम यूजिंग द एफ एन क्यूवर्ड एंड अ नेम दे कैन हैव पैरामीटर्स एंड रिटर्न अ वैल्यू दे कंटेन सम कोड दैट रन वेन अ मेथड इज कॉल्ड ओके अनलाइक फंक्शंस मेथड्स आर डिफाइंड विद इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अ स्ट्रक्ट तो मतलब अगर एक फंक्शन इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड है उसको हम कहते हैं फंक्शन बट अगर ये फंक्शन अगर ये कैलकुलेट एरिया इस रेक्टेंगल के कॉन्टेक्स्ट में डिक्लेयर होता तो उसको हम कहते हैं मेथड गॉट इट तो यही एक डिफरेंस है मेथड में एंड फंक्शन में ठीक है एंड देयर फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज सेल्फ ये देखते हैं क्या है विच रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्ट ऑफ द मेथड बींग कॉल्ड ऑन तो ये बताते हैं तो एक मेथड बनाते हैं ठीक है तो मेरे को क्या करना है प्रॉब्लम क्या है कि यार ये जो कैलकुलेट एरिया है ये इससे अनरिलेटेड है तो इसको रिलेट करते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आई एम पी एल इम्प्लीमेंट रेक्टेंगल रेक्टेंगल के लिए मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करना है मुझे कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंट करना है क्या फंक्शन इसको हम बोल देंगे एरिया ठीक है एक एरिया फंक्शन बना लेते हैं या फिर कैलकुलेट एरिया ही बना लेते हैं ठीक है कैलकुलेट एरिया अब इसमें कैलकुलेट एरिया के अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर हमारा होगा दैट इज़ सेल्फ ठीक है किस तरह से इस तरह से रेफरेंस ऑफ अ सेल्फ इसमें क्या होगा यह आपको खुद का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है खुद का ऑब्जेक्ट का क्या मतलब दैट मीन्स इस रेक्टेंगल का रेफरेंस है डोंट वरी अगर अभी के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो अभी बताऊंगा एंड दिस नीड्स टू रिटर्न अ यू थर्टी टू ठीक है एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं हम बस बोल सकते हैं भाई रिटर्न करो सेल्फ डॉट हाइट इन टू सेल्फ डॉट बर्थ तो मैंने यहाँ पर क्या किया इस फंक्शन को हटा दो बिकॉज अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने बोला रेक्टेंगल के ऊपर एक फंक्शन इंप्लीमेंट करो एक मेथड इंप्लीमेंट करो कैलकुलेट एरिया जिसका फर्स्ट पैरामीटर है सेल्फ अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क किया इज समथिंग लाइक दिस की वर्ड ठीक है जिसके पास खुद का इंस्टेंस होता है सो so सेल्फ की हाइट को मल्टीप्लाई कर दो सेल्फ़ की विड्थ अब हम क्या कर सकते हैं टू कैलकुलेट द एरिया हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है हम सीधा पता क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं भाई इस रेक्टेंगल का ना डॉट कैलकुलेट एरिया कितना क्लीन है मैंने इस रेक्टेंगल के ऊपर कैलकुलेट एरिया को कॉल कर दिया तो अब क्या होगा हम इसको प्रिंट करते हैं पहले आप देख लो कि हमारे पास वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही आ रही है करेक्ट सो वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू तो क्या हो रहा है रेक्टेंगल के ऊपर कैलकुलेट एरिया क्या एक मेथड है ऑन दी रेक्टेंगल इंस्टेंस जब हम इस कैलकुलेट एरिया को रेक्ट के ऊपर कॉल करेंगे तो जो ये सेल्फ है ना ये रेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा गॉट इट जब हम इस फंक इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये जो सेल्फ है ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ कॉल करेगा अगर मेरे पास एक और रेक्ट है लेट से लेट रेक्ट टू एंड इसको हम एक रेक्टांगल बना लेते हैं सो रेक्टांगल रेक्टेंगल बनाए एंड इसमें हम दे देते हैं विर्थ लेट से 90, एंड इसमें हम दे देते हैं एक हाइट दैट इज ऑल्सो 90, ठीक है सो ये हमने एक और रेक्टांगल बना लिया विच इज काइंड ऑफ लाइक अ स्क्वायर बट दैट्स फाइन तो देखो अब हम क्या कर सकते हैं जब मैं यहाँ पर रेक्ट टू डॉट कैलकुलेट एरिया कॉल करूँगा तो अब क्या होगा ये कैलकुलेट एरिया जब कॉल होगा ये फंक्शन इसमें सेल्फ किसको पॉइंट कर रहा होगा रेक्ट टू को तो रेक्ट टू की विथ और हाइट लेगा सो दिस इज़ अ मेथड ऑन रेक्टेंगल ओके इस चीज इससे क्या हुआ मेरा जो एक कोड है ना अप हो गया ये फंक्शन अब अप है रेक्टेंगल से एंड ये गलती से इंपोर्ट हो गया सो यू कैन जस्ट इग्नोर इट सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मेथड सो लेट चेंज द एरिया फंक्शन दैट हैज रेक्टेंगल इन सेंस एज पर दैरामीटर इनस्टाइड ऑफ मेकिंग एरिया एज अ फंक्शन ओके सो यही हमने अभी किया सो यू कैन जस्ट वॉच दिस ओके ये हमने अभी किया सो टू डिफाइन द फंक्शन विद द कॉन्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल वी स्टार्ट विद इन आई एम पी एल इंप्लीमेंटेशन ब्लॉक इसको इंप्लीमेंटेशन का आई एम पी एल की वर्ड कहते हैं ब्लॉक फॉर द रेक्टेंगल एवरीथिंग विद इन दिस आई एम पी एल ब्लॉक विल बी एसोसिएटेड विद द रेक्टेंगल Okay, then we move the area function uh, within the AMPL curly brackets and change the first and in this case only parameter to self in the signature and everywhere within the body. In main, where we call the area function and pass rect one as an argument, we can instead use the method syntax to call the area function on rectangle instance. So. इस तरह से हम एरिया फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इनके एग्जांपल के अकॉर्डिंग द मेथड सिंटैक्स इसको कहते हैं मेथड सिंटैक्स, ठीक है syntax, इसको मेथड सिंटैक्स कहते हैं एंड द मेथड सिंटैक्स वी ऐड अ डॉट फॉलोड बाय द मेथड नेम पैरथीसिस एंड एनी अदर आर्गुमेंट्स, ठीक है अगर ये फंक्शन को कोई आर्गूमेंट्स भी लेने होते हो, तो वो ले सकता example, e, है फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्स्ट्रा लेना ई जिसकी वैल्यू है यू थर्टी टू तो आप वो कैसे पास कर सकते हो अब आप यहाँ पे पास कर दो ट्वेंटी वन लाइट ट्वेंटी टू तो ये होगा ई e की वैल्यू ये होगी ई e की वैल्यू तो आप एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो बट मुझे इस केस में नहीं चाहिए ठीक है सो दिस इज वॉट दे आर सिंग इन द सिग्नेचर फॉर एरिया फंक्शन वी यूज़ एंड सेल्फ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल लाइक दिस द सेल्फ इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर सेल्फ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं मतलब अगर आपको एंड सेल्फ नहीं लिखना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई एक वेरिएबल है सेल्फ जिसका टाइप है सेल्फ इसको आप कुछ भी ले सकते हो इसको आप ए भी ले सकते हो ठीक है तब तो आप ए और ए को यूज़ कर लो ठीक है सो दिस इज ऑल्सो फाइन बट शॉर्ट हैंड इसका क्या है कि भाई एक एंड सेल्फ लिख दो विच इज़ अ रेफरेंस टू सेल्फ ओके विद एन इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक दिस सेल्फ इज एन एलियस फॉर द टाइप दैट आई एम पी एल ब्लॉक इज फॉर तो ये सेल्फ जो टाइप है बेसिकली उसके ऊपर पॉइंट करेगा जो भी इसका टाइप होगा डायनामिक ए काइंड ऑफ इन नेचर मेथड्स मस्ट हैव पैरामीटर नेम द टाइप सेल्फ एज देयर फर्स्ट पैरामीटर सो रस्ट लेट्स यू एब्रीवेट दिस विद ओनली द नेम सेल्फ इन द फर्स्ट पैरामीटर स्पॉट नो दैट वी स्टिल नीड टू यूज एंड इन फ्रंट ऑफ द सेल्फ शॉर्ट हैंड टू इंडिकेट दैट ये बॉडो करता है अगर मैं एंड नहीं लगाऊंगा तो ये फंक्शन ओनरशिप ले जाएगा एंड इस फंक्शन के बाद ये वैल्यू मूव हो जाएगी ठीक है तो दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ

तो यार इस चीज़ को आप पढ़ लेना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट येट बहुत इजी येट बहुत इजी चीज है द मेन रीजन फॉर यूजिंग मेथड्स एंड टास्क इज इट इन एडिशनल टू प्रोवाइडिंग मेथड्स इंड टास्क एंड नॉट हैव टू रिपीट इज द टाइप ऑफ सेल्फ इन एवरी मेथड सिग्नेचर इज नज़ फॉर ऑर्गेनाइजेशन ओके वी हैव पुट ऑल द थिंग्स वी कैन डू विद इंसडेंस ऑफ द टाइप इन वन इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक राधर दैन मेकिंग फ्यूचर यूजर्स ऑफ आर कोर सर्च फॉर द केपेबिलिटीज ऑफ रेक्टागल इन वेरियस प्लेस इन द लाइब्रेरी तो इससे क्या जितना भी हमारे और भी फंक्शन आएंगे फ्यूचर में रेक्टांगल के ऊपर तो उसको हम बस एक ही जगह रख सकते हैं या सो नोट दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन चूज टू गिव अ मेथड द सेम नेम एज वन ऑफ द स्टॉक्ट फील्ड तो आपको पता है कि इसके अंदर एक विथ फील्ड है रेक्टांगल के अंदर बट आप एक विथ नाम का एक फंक्शन uh, भी बना सकते हो ओके okay? आप एक विर्थ नाम का फंक्शन भी बना सकते हो हेयर वी आर चूजिंग टू मेक विथ मेथड रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ इंस्टेंस विथ

But not always. When we give a method the same name as the field, we want it to only return the value in the field and do nothing else. Oh, it's like getters and setters. Okay. Methods like this are known as getters, and Rust does not allow to implement them automatically for struct fields. And some other languages do. Getters are useful because you can make the field private, but the method public, and thus enable read only access to the field. We will discuss the public and private and how we can designate a field or a method in chapter number seven. कूल सो ठीक है तो ये रेफरेंसिंग एंड डी के बारे में तो इसको पढ़ लेते हैं इन सी एंड सी प्लस प्लस टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कॉलिंग मैथड्स यू कैन यूज डॉट इफ यू आर कॉलिंग अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड यू कैन कॉल दिस थिंग इफ यू आर कॉलिंग द मेथड ऑन अ पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट एंड नीड्स टू डी रेफरेंस द पॉइंटर इन अदर वर्ड्स इफ ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट दैन एरोथिंग और सिमिलर डी रेफरेंस करके डॉट रस डजेंट हैिस ऑपरेटर इंस्टेंट रस्ट हैज़ अ फीचर कॉल्ड ऑटोमैटिक रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग कॉलिंग मेथर्ड्स इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेज इन रस दैट हैज दिस बिहेवियर तो इसमें क्या हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फील्ड के ऊपर डॉट समथिंग अगर आप कॉल करते हो तो आपको उसको खुद ब खुद रेफरेंस या डी रेफरेंस नहीं करना होता रस उसको खुद कर लेगी आई नो ये चीज़ ना अभी समझ नहीं आएगी दैट ये ये हम क्या कर रहे हैं बट एक बार हम वो रेफरेंस एंड डी रेफरेंसिंग वाला ट्रेड्स पढ़ लेंगे ना तो हमें ये समझ आएगा हयर्स आउ इट वर्कस मेथड्स विद मोर पैरामीटर्स तो जो हमने अभी देखा दैट लेट्स प्रैक्टिस यूजिंग मेथड्स बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सेकेंड मेथड कॉल रेक्टांगल स्ट्रक्ट तो यहाँ पर एक ना हाँ अब आपको दिखाता हूँ कि आप ना मल्टीपल पैरामीटर्स कैसे ले सकते हो अब हमें ना एक फंक्शन बनाना है यहाँ पर दैट इज कैन होल्ड कैन होल्ड का क्या मतलब है से मेरे पास एक रेक्टांगल है मेरे को एक और रेक्टागल देखना है कि क्या ये वाला रेक्टांगल इस रेक्टांगल के अंदर फिट हो सकता है आपने क्या करना आपने ना रेक्टांगल के ऊपर एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनानी है कि एक छोटा रेक्टांगल या फिर एक बड़ा रेक्टागल इफ़ दिस रेक्टांगल कैन होल्ड दिस रेक्टांगल ये कैसे पॉसिबल है अगर ये वाला जो छोटा रेक्टांगल है अगर इसकी विर्थ इसकी विर्थ से कम है और इसकी हाइट इसकी हाइट से कम है देन ये इसके अंदर फिट हो सकता है लेकिन अगर इसकी हाइट इससे ज्यादा है या फिर इसकी विर्थ इससे ज्यादा है तो ये इसमें नहीं जाएगा सो दिस इज वॉट वी हैव टू मेक तो देखो हम क्या करेंगे हम बोलेंगे एक कैन होल्ड फंक्शन बनाओ जिसमें फर्स्ट तो मैं खुद ही हूँ जिसमें फर्स्ट तो मैं खुद ही हूँ दूसरा मेरे को अदर भी एक रेक्टेंगल चाहिए एक रेफरेंस सो एंड एंड आई कैन से मुझे एक रेक्टेंगल का रेफरेंस चाहिए नाउ व्हाट आई कैन डू नाउ व्हाट आई कैन डू आई कैन से रिटर्न करेंगे एक बुलियन ठीक है एक बुलियन रिटर्न करेंगे सो so, हम इसमें बोलेंगे भाई देखो हम कब होल्ड कर सकते हैं अगर मेरा खुद का सेल्फ डॉट विर्थ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अदर की विथ एंड एंड ठीक है एंड एंड सेल्फ की हाइट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अदर की हाइट सो दिस इज वेयर आई कैन से दैट हाँ मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ ठीक है मैंने कैन होल्ड फंक्शन बना लिया सो so, क्या यहाँ पर इन्होंने कैन होल्ड फंक्शन बनाया हाँ तो देखो हमने क्या किया एक सेल्फ ले लिया एक अदर ले लिया और हमने ये लिख लिया अब देखो हम क्या कर सकते हैं मेरे पास यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स हैं राइट लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग दैट आई हैव हेयर तो यहाँ पर प्रिंट एल एन करते हैं प्रिंट एल एन कैन रेक्ट वन होल्ड रेक्ट टू ठीक है ठीक है तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे दैट क्या रेक्ट वन डॉट कैन होल्ड रेफरेंस टू रेक्ट टू ठीक है तो ये हमें देखना है तो वॉट डू यू थिंक क्या आएगा इसका आंसर नहीं बिकॉज आई कैन क्लियरली सी रेक्टेंगल टू बहुत बड़ा है रेक्टेंगल वन छोटा है तो रेक्टेंगल वन टू को होल्ड नहीं कर सकता रन करें हमारे पास आया फॉल्स क्या रेक्टेंगल टू रेक्ट वन को होल्ड कर सकता है ओके okay? हाँ कर सकता है ट्रू ठीक है तो इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं सो वेन वी रन दिस कोड द मेन फंक्शन लिस्टिंग वी गेट आट डिजायर आउटपुट मेथड्स कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स दैट वी कैन एड सिग्नेचर आफ्टर द सेल्फ पैरामीटर एंड दोज पैरामीटर्स वर्क जस्ट लाइक द पैरामीटर्स इन फंक्शंस। तो ये तो थे हमारे मेथड्स। यहाँ पर खत्म हो जाते हैं हमारे मेथड्स। अब बात करते हैं एसोसिएटेड फंक्शंस। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपने बाकी लैंग्वेजेस में स्टैटिक फंक्शंस के साथ काम किया होगा ऑल फंक्शंस डिफाइंड विद इन इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक आर नोन एज एसोसिएटेड फंक्शन ठीक है तो यहां पर मतलब फॉर एन एग्जाम्पल ये क्या एक एसोसिएटेड फंक्शन ये एक एसोसिएटेड फंक्शन है टू रेक्टेंगल ठीक है मेथड्स है बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद द टाइप नेम्ब आफ्टर द आई एम पी एल ब्लॉक वी कैन डिफाइन एसोसिएटेड फंक्शन दैट डोंट हैव सेल्फ एज द फर्स्ट पैरामीटर हम ऐसे फंक्शन भी बना सकते हैं जिसमें सेल्फ फर्स्ट पैरामीटर नहीं है एंड उनको मेथड्स नहीं कहते बिकॉज दे डोंट नीड एन इनसेंस ऑफ द टाइप टू वर्क विद वी ऑलरेडी यूज अ फंक्शन समथिंग लाइक दिस आपने देखा कि आपने जब स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़ किया था आपने स्ट्रिंग के ऊपर फ्रॉम को कॉल किया था अगर आप इसको सोचो अभी हम क्या कर रहे हैं हम ना एक इंस्टेंस के ऊपर देखो यहाँ पर रेक्टेंगल एक इंस्टेंस है अभी ये जो मेथड्स हम कॉल कर रहे हैं एक इंस्टेंस के ऊपर कॉल कर रहे हैं है ना हम हम देखो हम लेट्स एक एस वन बनाते हैं एस वन इक्वल्स टू स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम एंड मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाया पीयूष कर्क एक तरीका अभी हम क्या कर रहे थे एस वन डॉट लेट से पुश स्ट्रिंग करते हैं डॉट पुश एस टी आर कर लेते हैं समथिंग ठीक है एंड कोर्स इसको म्यूटेबल बनाना होगा ठीक है एक मिनट इसको म्यूटेबल भी बना लेते हैं तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना अभी हम एस वन के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये एक मेथड है एस वन के ऊपर जब हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा ये पुश एस टी आर के एक फंक्शन है जिसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ है जो एस वन के ऊपर कुछ कर रहा है देखो पुश एस टी आर इसके अंदर म्यूटेबल रेफरेंस है खुद का और ये फर्स्ट पैरामीटर लेता है स्ट्रिंग का और ये कुछ तो काम करता है तो मतलब कि देखो ही म्यू म्यूट म्यूटेबल रेफरेंस टू सेल्फ मतलब कि खुद का रेफरेंस सेकेंड पैरामीटर एक स्ट्रिंग लेता है सेकेंड पैरामीटर ये एक स्ट्रिंग लेता है और ये कुछ काम करता है राइट दिस इज वॉट वी आर डूइंग तो ये तो है एक मेथड लेकिन ये फ्रॉम देख रहे हो फ्रॉम ये डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर से कॉल हो रहा है मतलब कि आप ऐसा समझो कि हम ना कुछ ऐसा कर रहे हैं रेक्टेंगल कोलन कोलन सम फंक्शन हम कुछ ऐसा करने का ट्राई कर रहे हैं है ना कुछ ऐसा तो ये क्या होते हैं ये एक तरह के स्टार्टिक फंक्शन जैसे हम बाकी लैंग्वेज में कहते हैं दैट आर डिफाइंड ऑन द स्ट्रिंग टाइप तो ये जो फंक्शन है डायरेक्टली स्ट्रिंग के ऊपर डिफाइंड है Associated functions that aren't methods are often used for constructors that returns a new instance of a struct. They are often called new, but new isn't a special name, और ये कुछ बिल्टिंग नहीं है मतलब बट ज़्यादा हम इनको न्यू कहते हैं अगर आपको याद होगा हमने एक न्यू बफर बना सकते हैं इसे Guess द प्रोग्रामिंग गेम ने हमने इस तरह से एक बफर बनाया था तो एक न्यू फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर था जो एक न्यू स्ट्रिंग बना कर देता है फॉर could वी कुड चूज टू प्रोवाइड एन एसोसिएटेड फंक्शन नेम would दैट वुड dimension एंड both हाइट एंड width. तो देखो हम क्या कर सकते हैं हम ना रेक्टांगल के ऊपर एक फंक्शन बना सकते हैं स्क्वायर ठीक है इसमें ना हम बस एक साइड लेंगे है ना एक साइड लेंगे एक है हाइट बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड दिखे होते हैं तो साइड ले सकते हैं कि u 32 type टाइप का एंड हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे एक खुद का टाइप एक सेल्फ टाइप एक रेक्टेंगल टाइप एंड यहाँ पर आई कैन रिटर्न अ रेक्टेंगल ठीक है एक रेक्टेंगल रिटर्न कर सकते हैं जिसमें विड्थ भी यही साइड है और जिसमें हाइट भी यही साइड है ठीक है यही साइड है अभी के लिए मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता तो इसको ऐसे ले लेते हैं तो देखो फंक्शन बनाया स्क्वायर रेक्टेंगल के ऊपर साइड लिया रेक्टेंगल रेक्टेंगल विड्थ हाइट राइट अब हम इसको कॉल कैसे कर सकते हैं देखो मुझे अगर एक स्क्वायर बनाना ना लेट एस क्यू इक्ल्स रेक्टेंगल के ऊपर मैं स्क्वायर फंक्शन को कॉल करके फाइव दे दूंगा तो अब ये बस मेरे लिए क्या करेगा एक रेक्टेंगल बना देगा जिसकी विड्थ भी फाइव होगी और हाइट भी फाइव होगी नहीं यकीन तो प्रिंट एल करके देख लो प्रिंट एल स्क्वायर इक मतलब हम तो सीधा डीबग ही कर सकते हैं ना तो इसको डीबग करके एस क्यू को प्रिंट करके देख लो एस क्यू ठीक है अगर मैं इस एस क्यू को प्रिंट करता हूँ तो वॉट यू विल गेट सो यू कैन सी दैट दिस इज वॉट आई एम गेटिंग तो ये क्या है एक फंक्शन है जो सीधा रेक्टेंगल के ऊपर अवेलेबल है बिकॉज का फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ नहीं है तो अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं या फिर उस फ्राम फंक्शन को देखते हैं तो दिस इज समथिंग लाइक जिसका फर्स्ट पैरामीटर क्या नहीं है सेल्फ नहीं है सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फ्रॉम को भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर करना है फ्रॉम एंड हम यहां पर कुछ पी पास कर देते हैं तो अगर आप इस फ्रॉम फंक्शन को भी देखोगे देखो फ्रॉम देखो, में फर्स्ट फंक्शन क्या एक स्ट्रिंक ट सो so, इन्होंने क्या किया देखो फंक्शन स्क्वायर इन्स्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग रेक्टांगल ठीक है रेक्टांगल हार्ड कोडिंग की जरूरत नहीं है तो आप बस सेल्फ लिख दो सेल्फ मतलब जिसके ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रहा है तो भाई सेल्फ ठीक है तो रेक्टांगल लिखने की जरूरत नहीं है सेल्फ बेसिकली रेटांगल को पॉइंट करेगा बिकॉज हम हम रेक्टांगल के अंदर ये फंक्शन बना रहे हैं सो दिस विल बेसिकली रिटर्न अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ स्क्वायर ओके सो द सेल्फ कीवर्ड अ टाइप इन द बॉडी फंक्शन आर एलियस्ट फॉर दैट टाइप अपीयर्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक तो जो भी यहां पर आप रेक्टांगल लिखोगे वही टाइप इस सेल्फ का टाइप होगा ठीक है टू कॉल दिस एसोसिएटेड फंक्शंस, वी यूज दिस सिंटैक्स. ओके स्ट्रक्चर विद नेम सो लेट एस क्यू टू रेक्टागल स्क्वेयर थ्री इज एन एग्जाम्पल दिस फंक्शन इज नेम्स पेस्ड दिस डॉक्ट दिस कोलन कोलन सिंटक्स इज यूज फॉर बहुत एसोसिएटेड फंक्शन एंड नेम्स पेसिस क्रिएट द मॉड्यूल्स तो ये मॉड्यूल्स और नेम्सपेस क्या होते हैं ये चैप्टर नंबर सेवन में आएगा मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक्स भी हो सकते हैं ईच सक्स इज अलाउड टू हैव मल्टीपल आई एम पी एल ब्लॉक्स फॉर एक्जाम्पल देखो इसमें एक IMPL block इस अपना एक आई एम पी एल ब्लॉक है इसमें अपना आई एम पी एल ब्लॉक है तो आप ये भी कर सकते हो ओके देर इज नो रीजन टू सेपरेट दीज मेथड्स फ्राम मल्टीपल आई एम पी एल ब्लॉक्स बट दिज अ वैलिड सिंटैक्स वेल सी विल सी अ केस विच मल्टीपल आई एम पल आई एम पी एल ब्लॉक्स आर यूजफुल जब हम जेनरिक्स की बात करेंगे ट्रेड्स की बात करेंगे तो इससे हमें पता लगा दट किस तरह से हम मेथड्स बना सकते हैं किस तरह से हम एसोसिएटेड uh, फंक्शंस बना सकते हैं एंड आई एम पी एल ब्लॉक क्या होते हैं एंड अब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा होगा कि जब हम स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग न्यू या कुछ भी इस तरह के फंक्शंस को कॉल करते हैं तो एक्चुअली में इंटरनली वॉट इज़ हैपनिंग सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं स्ट्रक्ट्स क्यों यूज होते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रक्ट्स टपल स्ट्रक्ट्स यूनिट स्ट्रक्ट्स एंड स्टॉक्स के ऊपर इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं एसोसिएटेड फंक्शंस किस तरह से बना सकते हैं तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ना आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन कर लिया है रास्ट के अंदर एंड यू आर एक्चुअली रेडी टू क्रिएट बेसिक प्रोग्राम्स आपको बोरोइंग का कॉन्सेप्ट पता है आपको रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट पता है यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कुछ छोटे प्रोग्राम्स बनाओ कुछ एप्लीकेशन बनाओ ठीक है जो हमने फर्स्ट एक गेस्ट द प्रोग्राम गेम बनाया था ना उसको क्या आप स्ट्रक्ट को यूज़ करके थोड़ा सा कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप वो ट्राई कर सकते हो सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट दि दिस दिस वीडियो सो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्या कवर करने वाले होंगे सो uh, so, एक बार देख लेते हैं दैट नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है नेक्स्ट चैप्टर है ई नम्स के ऊपर एन पैटर्न मैचिक विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड येट वेरी ईजी सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय एंड टेक केयर